मैं हूं सुमित चौधरी। नागौर जिले के मिर्ता को पहचान दिलाने वाली मीराबाई के राव दूड़ा गढ़ मीरा स्मारक को अब पर्यटन विभाग राज्य की प्रतिष्ठित स्मारक एवं हेरिटेज पर्यटन स्थल की सूची में शामिल करने की तैयारी में है। पर्यटन विभाग अजमेर के अधीक्षक नीरज त्रिपाठी ने हाल ही में मिर्ता का दौरा कर राव दूड़ागढ़ और मालकोट दुर्ग का जायजा लिया। राज्य सरकार द्वारा संभाग स्तर पर दो ऐतिहासिक स्मारकों का चयन कर उन्हें विकसित करने की योजना को मूर्त रूप देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मेड़ता के राव दूड़ागढ़ मीरा स्मारक को हेरिटेज पर्यटन सूची में शामिल करने की कवायद शुरू हो गई है। हेरिटेज पर्यटन सूची में नाम शामिल होने से मेड़ता के चहुमुखी विकास की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मेड़ता के राव दूड़ागढ़ को साल 2008 में मीरा स्मारक के रूप में स्थापित कर पर्यटकों के लिए मीरा की जीवन प्रदर्शनी के लिए खोला गया। स्थापना के बाद लगभग 16 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने स्मारक पहुंचकर मीरा की भक्ति जीवन को जाना। मीरा स्मारक का चयन मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में होने से मेड़ता के पर्यटन उद्योग के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हम लोग मेड़तावासी इस बात को लेकर बहुत उत्साहित है कि राजस्थान सरकार ने आइकॉनिक स्मारक के रूप में मीरा स्मारक को चूज किया है और वाकई में मीरा जो विश्वविख्यात थी और इस हेरिटेज के अंदर इस गैलेरिया में आने से पर्यटकों का आना जाना बढ़ेगा। जो लोग पर्यटन एक कॉरिडोर बन जाएगा, मथुरा वृंदावन से चला हुआ पर्यटक मेड़ता मीरा दर्शन करने के लिए आएंगे। ठाकुर जी जहाँ जयबल जी के रूप में जिन्होंने लड़ाई लड़ी, मेड़ता का चारभुजनाथ मंदिर, मीराबाई का मंदिर और मीरा का ये स्मारक, वाकई में हम लोग देखते हैं इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ की व्यवस्था है हमारे, और वो लोग भी आएंगे तो अभिभूत होंगे। मीरा नगरी में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर पर्यटन विभाग की ओर से मीरा स्मारक को प्रतिष्ठित स्मारक और हेरिटेज योजना में चयन करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से विभिन्न संभाग स्तर पर दो दो स्मारकों का चयन कर उन्हें विकसित करने की योजना है। इसके तहत अजमेर संभाग में राजकीय संग्रहालय अकबर किला अजमेर और मीरा स्मारक राव दूड़ागढ़ मेड़ता को शामिल करने का प्रस्ताव लिया गया है। इसे लेकर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग अजमेर के अधीक्षक नीरज त्रिपाठी मेड़ता पहुंचे। उन्होंने राव दूड़ागढ़ और मालकोट दुर्ग का अवलोकन किया। मीरा स्मारक को हेरिटेज पर्यटन सूची में शामिल कर लिया गया है, इसकी हमें बहुत खुशी है। इससे मेड़ता का भी चौमुखी विकास होगा। इससे समस्त मेड़ता वासियों को इसके लिए बहुत खुशी है और आगे इसका विकास होना संभव है, मैं ये कहना चाहती हूँ। मीरा स्मारक समिति, राजस्थान का पर्यटन विभाग और ये पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, ये सब मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं, जिसे माँ मीरा और चारभुजनाथ की जो कीर्ति है, अविनाशी कीर्ति है, ये पूरे संसार के छायापटल पर अभिलेखित हो, इसके लिए हम सभी साझा प्रयास कर रहे हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई पर्यटन इंडस्ट्रीज को उबारने के लिए प्रदेश में पहली बार एक साथ 10 स्थानों पर लाइट एंड साउंड शो शुरू होने जा रहे हैं। इस पर लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत आरटीडीसी की ओर से मेड़ता में भी लाइट एंड साउंड शो शुरू करने की तैयारी है। मेड़ता में शुरू होने वाले इस शो के जरिए भक्त शिरोमणि मीराबाई के बाल्यकाल, उनके आराध्य कृष्ण के प्रति भक्ति, वैराग्य की कथा मधुर भजनों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। पौराणिक एवं ऐतिहासिक मीरा नगरी मेड़ता एक धार्मिक पर्यटन स्थल है। वर्तमान समय में यहाँ के तालाब, बावड़ियाँ, हवेलियों के अलावा तालाबों के किनारे पर बने ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मुख्य पर्यटन स्थल हैं। यहाँ के दूध सागर और विष्णु सरोवर में खिलने वाले कमल के फूल भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से चारभुजनाथ एवं मीराबाई मंदिर, मीरा स्मारक, मालकोट दुर्ग, मीरा महल, शाही जामा मस्जिद, हाफिज शाह दरगाह, हिंदू मुस्लिम और अखिल भारतीय प्रणामी संप्रदाय की त्रिवेणी रहा है।
साथ ही जैन धर्मावलंबियों के भी दर्जनों मंदिर मौजूद है। मेड़ता लोक देवता बाबा रामदेव, रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं की मुख्य आस्था का केंद्र है। सावन और भादु माह में लगभग 5 लाख श्रद्धालु यहां आते हैं। 2008 में स्थापना के बाद से अब तक 16 लाख पर्यटक स्मारक देख चुके हैं। दामोदर एनानिया, जी मीडिया, नागौर।